हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, 3 अगस्त 2020 की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो सारी न्यूज़ जो कि किसी भी इंपॉर्टेंट नेशनल एग्जाम में आने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टैटिक का वो पोर्शन जो कि इस न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गया है, उस सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम बहुत ही कम समय में आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे। साथ ही आपको मिलेंगे हाई पावर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर अपने सामने देख पा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूज और भी बहुत सारी न्यूज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको इनके आंसर्स मिलेंगे मेरी वीडियो के एंड में। बाकी जो वीडियो देखेगा उसको तो आंसर्स पता चली जाएंगे। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बहुत ही कम समय में हम आपको बहुत ज्यादा टाइम आपको रोकूंगा नहीं, मैं बहुत ही कम समय में हम आज की सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली ई रक्षाबंधन ये लॉन्च किया है? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च ई रक्षाबंधन? ए मेघालय, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म नो परमिशन नो व्हाट? ए एविएशन, बी फ्लाइट, सी टेक ऑफ, डी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज रिसेंटली लॉन्च द मिशन टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ए मैच स्टिक्स, बी इंसेंस स्टिक्स, सी अर्थन लैंप्स और डी रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अ फूड फॉर ऑल स्कीम लॉन्च बाय राजस्थान इज नेम्ड आफ्टर ए इंदिरा गांधी, बी गॉडेस अन्नपूर्णा, सी भारत माता और डी लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिए, अपनी तरफ से इंटेलिजेंट गेसिंग लगाने की कोशिश करिए, रीजनिंग दिमाग में याद रखिए क्या रीजनिंग आपने लगाई थी, ठीक है। तो बाद में आंसर सही हो या गलत हो आपको याद रहेगा कि आपकी रीजनिंग सही बैठी या नहीं बैठी। जो रीजनिंग गलत बैठती है वो आप एग्जाम के एंड में जाके उस रीजनिंग को नहीं फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको गलत आंसर आता है, ठीक है। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। पहली न्यूज़ है ई रक्षाबंधन, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप सोचेंगे ई रक्षाबंधन यानी ऑनलाइन रक्षाबंधन, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि राज्य सरकार ने जाके लॉन्च कर दिया कि बहने भाइयों को ऑनलाइन राखी भेज रही हैं लॉकडाउन में। वैसा नहीं है, ई रक्षाबंधन देखिए कितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव एक स्टेप लिया है चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार ने, जो कि ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये लोगों के मध्य साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस प्रोग्राम को बहुत सारे डिग्निटरीज का सपोर्ट है, इंक्लूडिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एफएम रेडियो वगैरह, मतलब पूरे समाज में एक मुहिम जैसा इसको चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश पुलिस, साइबर पीस फाउंडेशन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इस तरह की संस्थाओं का इस मुहिम को समर्थन प्राप्त है, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिंग मास अवेयरनेस अबाउट द मंथ लॉन्ग ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम। महीने भर चलेगा एक ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम है ये साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस पहुंचाएगा। देखिए एज मेनी एज 1,00,000 विमेन, गर्ल्स और जनरल पब्लिक को ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए इससे समझ में आ रहा है कि खास करके महिलाओं की तरफ विशेष फोकस है, महिलाएं जो है साइबर क्राइम का ज्यादा शिकार होती हैं। साइबर क्राइम का कई कॉम्पोनेंट है साइबर क्राइम के, कोई आपको धमकी दे रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, ये साइबर क्राइम का एक कंपोनेंट है। कोई आपको फिशिंग स्कैम, PHISHING फिशिंग स्कैम होते हैं, कोई फ़ोन करके आपको कहता है कि भाई आप अपने ATM कार्ड का नंबर दे दीजिए किसी भी बहाने से, ठीक है। आजकल चल रहा है Naukri.com वाले फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम आपका पैसा वापस करना चाहते हैं, आप ऐसे ऐसे करिए, वो अपने वॉलेट में आपसे पैसा ले लेगा, इस तरह के फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। महिलाओं के साथ खास करके क्या होता है, उनकी तस्वीरें वीडियो वगैरह ले ली जाती हैं, वो कुछ मॉर्फ करके फोटोशॉप करके बना दी जाती हैं, उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली जाती है, फिर लोग उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि हम इसे पब्लिक कर देंगे, इसके जरिए उनसे फिर मनमाने उनसे फायदे उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम है। देखिए बार बार इसमें विमेन और महिला गर्ल्स ये सब की बात आ रही है, यानी जाहिर इस पर ऐसा समझ में आ रहा है कि महिलाओं की तरफ विशेष फोकस है कि साइबर क्राइम से वो कैसे बचें, कोई उन्हें कैसे ब्लैकमेल न कर सके, कोई इस तरह की वो कंटेंट लोगों से न शेयर करें जो बाद में उनके लिए भारी पड़ सकता है, या कोई उन्हें इस चीज़ की धमकी देने की भी कोशिश करे तो तुरंत कैसे पुलिस की मदद ले सकती हैं और किसी भी क्राइम का उन्हें शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात पब्लिक में वाइड स्प्रेड फैलाई जाएगी, ठीक है। इसको लॉन्च किया जाएगा तो जो CM ऑफ आंध्र प्रदेश हैं वो उस मौके पर पहुंचेंगे और वो लिस्ट आउट करेंगे वेरियस स्टेप्स, वो लिस्ट आउट कर दिया वेरियस स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। CM ने दिशा पुलिस स्टेशन महिला पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में बनाई गई हैं, ठीक है। ये भी नाम याद रखिए, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। और 167 केस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के इन्वेस्टिगेट किए गए, उसमें कंप्लीट करके चार्जशीट अदालत में फाइल कर दी गई, यानी पुलिस ने अपने एंड से काम कर दिया। अब अदालत में मामला चलेगा जो तारीख
तारीख पे तारीख वाली बात हमारे देश में होती है वो चलेगा, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई डिले नहीं है, उन्होंने जांच पूरी करके चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। ठीक है, सीएम ने दिशा ऐप को प्रमोट किया और जो भी विक्टिम है महिलाएं आंध्र प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, उनसे कहा है कि वो दिशा ऐप का इस्तेमाल करें और दिशा पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल करें हैरेसमेंट और साइबर क्राइम के खिलाफ। देखिए बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, भारत की हर राज्य सरकार को इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा दिशा पुलिस स्टेशन और दिशा ये ऐप के बारे में, साथ ही साथ ई रक्षाबंधन के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके नाम से देखिए समझ में नहीं आता है कि इसका रियल पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई रक्षाबंधन प्रोजेक्ट ऐसे करके। अधिकतर लोग बोल देंगे भाई ऑनलाइन राखी भेजो लॉकडाउन में, है ना, तो जबकि वो नहीं है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए ड्रोन ऑपरेट अगर आप हमारे देश में करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं जो किसने जारी किए हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, ये नाम याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ड्रोन जो है वो किस रेगुलेटर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फॉर ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो ज़मीन पे काम करते हैं, विच एक्ट लाइक कॉकपिट्स ऑन द ग्राउंड टू रिमोटली पायलट द अनमैन्ड एरियल व्हीकल। प्लेन के अंदर जो एरिया होता है, केबिन होता है, जहाँ पर कि पायलट को पायलट बैठते हैं, जहाँ से प्लेन उड़ाया जाता है, उसे कॉकपिट कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो ड्रोन होते हैं उसके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वो ज़मीन पर होता है, ज़मीन से उसको ऑपरेट किया जाता है, तो इसलिए ज़मीन पे जो कॉकपिट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड ड्रोन रेगुलेशंस को डेवलप करना है जिससे कि कमर्शियल एप्लीकेशन हो सके। ठीक है, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में कमर्शियल एप्लीकेशन ड्रोन्स का है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बहुत ही मेहनत कर, ऐसा न्यूज़ में बता रहा है, उन्होंने बहुत मेहनत की, दे वर्कड हार्ड टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड लीडिंग ड्रोन इकोसिस्टम इन इंडिया। तो दुनिया भर में हमारे जैसा जो गाइडलाइन हो, एक ड्रोन्स का इकोसिस्टम हो, वैसा दुनिया में कहीं ना हो, ऐसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा लिखा गया इसको क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अनमैंड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है वो अभी भी नहीं है, तो इसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कहीं भी इंडिया में आजकल शादियों में पार्टियों में ड्रोन से ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है, ड्रोन का फिलहाल इतना ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसके लिए कानून हमें बनाने पड़ेंगे। दूसरों के घरों में कोई ना जाके किसी की मर्ज़ी के बिना उसकी वीडियो फुटेज न ली जाए, ड्रोन आपस में टकरा गए, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, किसी की झोपड़े पर ड्रोन गिर गया और उसकी छत ढह गई, संभव है। ड्रोन अगर भारी हुआ और फूस की छत है या खपरेल की छत है, इंडिया में बहुत सारे घरों में ऐसा ही है, तो वहाँ पर उनकी छत ढह जा सकती है, उसको मुआवजा कौन देगा, है ना, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इन सब के लिए गाइडलाइन चाहिए, इन सब गाइडलाइंस के अभाव में हर जगह पर ड्रोन उड़ाने भी नहीं दिया जाता है ना, और ना उतना ज़्यादा कोई मार्केट में ड्रोन लॉन्च कर रहा है, ना इसके ऐड आ रहे हैं, ना अलग अलग पर्पज़ के लिए ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार जो होती है उसका यही काम होता है कि वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करे, कायदे कानून बनाए, नियम कानून बनाए, जिस दायरे के अंदर में हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसके लिए आगे आगे उन्होंने किया है। ठीक है, तो उन्होंने ड्रोन रेगुलेशन बनाया है एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत, कई सालों का मेहनत लगा के उन्होंने ये बनाया है। इसके लिए इंडिया ने एक ऑल डिजिटल प्रोसेस बनाया है कि ऑनलाइन ही सब काम हो जाएगा रजिस्टर और ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ऐसा ही एक फुल्ली डिजिटाइज्ड नेशनल अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट UTM प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी देश में कहीं भी अगर आपको ड्रोन ऑपरेट करना है या जाके रजिस्टर करना है तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक सिंगल विंडो टाइप का आपको दे दिया गया है, देश के किसी भी हिस्से से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाके लोग रजिस्टर कर सकते हैं ड्रोन को और ऑपरेट कैसे करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उनका ये नारा है, उनकी ये गाइडलाइन है, नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT, यही आपको MCQ से याद आ रहा होगा, ये आपसे पूछा गया था, ये लाइन आपसे MCQ एग्जाम में भी आ सकती है। ठीक है, गाइडलाइन क्या है, जो भी अनमैंड एरियल व्हीकल के ओनर हैं उनको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे हर गाड़ी का, हर आपका फोर व्हीलर टू व्हीलर का आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसको आप अपनी गाड़ी पे लगा के रखते हैं, जो घूमना उसको लगा के घूमना आपके लिए पूर्णतया अनिवार्य है, वैसे ही ड्रोन को भी आपको जाके सरकार के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, नैनो कैटेगरी को छोड़ के, नैनो ड्रोन्स जो होते हैं उनको छोड़ के, हर फ्लाइट के लिए यूज़र को परमिशन लेनी पड़ेगी एक मोबाइल ऐप के जरिए, परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, ये नहीं कि आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाके लाइन लगा के वहाँ किसी से कागज़ पे साइन कराने पड़ेंगे, मोबाइल ऐप में आप परमिशन ले सकते हैं। जो भी ड्रोन जिसको जो बिना डिजिटल परमिट के फ्लाई करेगा वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड फ्लाइट्स एंड टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, जो कि मैंने आपको पहले बताया पब्लिक सेफ्टी का क्या एंगल है। जो अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट UTM जो है एक ट्रैफिक रेगुलेटर के तौर पर काम करता है, जैसे रस्ते में ट्रैफिक पुलिस होती है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है प्लेन्स के लिए, वैसे ये UTM जो है वो अनमैंड एरिया व्हीकल्स के लिए ट्रैफिक रेगुलेटर का काम करेगा इन द ड्रोन एयर स्पेस, और उन सबको डिफेंस और सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, डिफेंस और सिविलियन ATC के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करेगा। देखिए हमको हर समय पता होना चाहिए
आसमान में क्या क्या उड़ रहा है, तो उस हिसाब से एयरफोर्स के प्लेन भी और उनके हेलीकॉप्टर भी फ्रीली उड़ सकेंगे, उन्हें पता होगा रास्ते में कहाँ कहाँ क्या है। और जो दूसरे सिविलियन एयरप्लेन्स हैं वो देखिए ऑटो जैसा या बाइक जैसा तुरंत उनको घुमाया नहीं जा सकता है, वो बहुत टाइम लेके घूमते हैं खुले आसमान में, तो इसलिए खुले आसमान में क्या क्या चीज़ें उड़ रही हैं इसकी पूरी जानकारी उन्हें भी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपना टच डाउन टेक ऑफ वगैरह प्लान कर सकेंगे। ठीक है, तो UTM के ये पर्पज़ हैं, अनमैंड एयरक्राफ्ट ट्रैफिक सिस्टम, एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट के। बाकी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, जो ऐप के जरिए नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला सिस्टम चलेगा। और जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है वो रेगुलेटर है, एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर, जिसके तहत ड्रोन्स को भारत में ऑपरेट करना पड़ेगा। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया इनमें से ज़रूर इस बार आप अपने UPSC प्री के पेपर में देखेंगे। ठीक है, अगली पॉइंट पे चलते हैं, खड़ी अगरबत्ती या खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च किया गया है, ये MCQ में आपसे पूछा गया था। ठीक है, जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसने और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME का जो मंत्रालय है उसने और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, खादी ग्रामोद्योग मिशन ने मिलके ये ऐसा प्लान बनाया है कि अगरबत्ती निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगरबत्तियां देखिए कुटीर उद्योग की श्रेणी में आती हैं, छोटे से छोटे स्केल पे अगरबत्तियों को बनाया जाता है, अनस्किल्ड लेबर, ट्राइबल औरतें, ट्राइबल लोग या छोटी जगहों पे रूरल एरियाज़ में जहां उतने रोज़गार के साधन नहीं हैं, लोग उतने ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हैं, वो बहुत आसानी से अगरबत्तियाँ बना सकते हैं। और अगर सरकार या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है इनके पास मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, शहरों में हर जगह, गांव में तो उतना नहीं, शहरों में इनकी खुद की दुकानें होती हैं, बाकी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये दुकानों तक सामान को पहुँचा सकते हैं पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में, है ना। वो लोग तो गाँव के लोग तो समझिए अगरबत्ती बना के उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर अगरबत्ती का मसाला लगा के उसको सुखा के अगरबत्तियाँ बना देंगे। ठीक है, पर फिर उसको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा कि कुछ अगरबत्तियों को फेंकना है, कुछ को रखना है, उसको पैकेट में कैसे सील करना है, उसके ऊपर कोई अपनी ब्रांडिंग करनी है, कोई तो नाम उनको लगाना पड़ेगा। खाली सादी खुला चावल बिक रहा है उस तरह से तो लोग अगरबत्तियां नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे भी तो आप अपनी प्राइसिंग उसके ऊपर ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो मतलब पैकेजिंग, मार्केटिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करने में सरकार का और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का बहुत योगदान लगेगा। तो इस प्लान के तहत ही उन्होंने इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। ये स्कीम जो है एक PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिसमें कुछ काम सरकार करेगी, कुछ काम कोई प्राइवेट बॉडी करेगी, जहाँ पे एक 2-पार्टी अग्रीमेंट होगा जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके बीच में होगा। तो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली चलाने के लिए स्कीम के तहत एक ऑटोमेटिक मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन खादी ग्रामोद्योग मिशन द्वारा जो कारीगर हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द सक्सेसफुल प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स। अगर आपकी कोई अगरबत्ती बनाने की कंपनी है तो आपके जरिए कारीगरों को ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मिक्स करने की मशीन वो खादी ग्रामोद्योग मिशन कारीगरों तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो एक अग्रीमेंट साइन करेंगे एज बिजनेस पार्टनर्स। तो इसके जरिए क्या होगा, वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है खादी ग्रामोद्योग ने उसी को आगे बढ़ाते हुए ये डिसाइड किया है कि जो मशीन होगी वो भारत के मैन्युफैक्चरर्स से ही खरीदी जाएंगी। तो इसमें कदम कदम पे भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक तो कारीगरों को, भारत के कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की सहूलियत दी जा रही है, साथ ही साथ वो मशीनें भी भारत के ही मशीन निर्माताओं से खरीदी जाएंगी, तो उनके यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, फिर जो ये मशीनों का जो कॉस्ट होगा उसमें 25% सब्सिडी खादी ग्रामोद्योग मिशन या KVIC प्रोवाइड करेगा, बाकी 75% उन्हीं कारीगरों से इंस्टॉलमेंट में ले लिया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर 10,000 रुपये की मशीन है तो 2,500 रुपये सरकार माफ़ कर देगी, आप मान लीजिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन उन्हें देगा, और बाकी जो 7,500 रुपये बचे वो उनसे महीने की किस्तों में कारीगरों से जिन लोगों को बनानी है अगरबत्ती उनसे ले ली जाएगी। ठीक है, एक ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली दिन के 80 kg अगरबत्ती बनाती है। ठीक है, उससे 4 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिल सकता है। ऐसे 5 अगर ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन दे दिए जाएँ तो उससे एक पाउडर मिक्सिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिससे और 2 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो यानी अगर ऐसा 5 मशीन देके एक पाउडर मिक्सिंग मशीन दे दिया जाए तो 6 लोगों को रोज़गार इससे जनरेट हो जाता है डायरेक्टली। साथ ही सोचिए पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग वगैरह में जिन लोगों का रोज़गार लगेगा, और वो मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग में जिन लोगों का रोज़गार लगा, फिर वो मशीन वो वहाँ से वहाँ तक कोई लेके भी तो आएगा, है ना। इसमें कोई मिडिल मैन होगा, कोई थोक विक्रेता होगा वगैरह वगैरह, बहुत इंप्लॉयमेंट इस तरह से इनडायरेक्टली भी जनरेट होती है। किसी भी प्रोजेक्ट में डायरेक्टली जितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है उससे कई गुना ज़्यादा इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है,
है ना, आप समझ के देखिए, शहर में एक फैक्ट्री लगे तो फैक्ट्री में जितने लोग काम करेंगे उनको तो रोज़गार मिलेगा ही, इनडायरेक्टली कोई चाय के ठेले लगाएगा फैक्ट्री के सामने, ठीक है, कोई उन फैक्ट्री वर्कर्स की औरतों के लिए कुछ औरतें गजरे बना के बेचेंगी, तो उनका भी तो एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली उस फैक्ट्री से ही जनरेट हुआ। इस तरह से अमूमन ऐसा माना जाता है कि 8 से 10 गुना इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो किसी भी इंडस्ट्रियल वेंचर में जनरेट होता ही होता है, ठीक है। तो ये सब भी आप समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, साथ ही साथ अभी लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था जूझ रही है, इस समय में कितना ज़्यादा फायदा होगा। अभी अब देखिए, बात करते हैं पैसे की, तो करंट मार्केट रेट जो अगरबत्ती का है वो 15 रुपया पर केजी मिलता है, ठीक है। अभी करंट रेट को कंसीडर में लेके अगर 4 कारीगर काम करेंगे एक ऑटोमेटिक मशीन में तो दिन का कम से कम 1200 कमाएंगे 80 केजी अगरबत्ती बना के, ठीक है। और अगर एक कारीगर जो है उसको 250 रुपये पर डे दे दिया जाए एक पाउडर मिक्सिंग मशीन में काम कर लेगा, ठीक है। इनको जो सैलरी होगी, जो वेज होगी इनकी, वो बिजनेस पार्टनर डायरेक्टली देंगे इन अकाउंट्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी कंपनियां हैं अगरबत्तियों की, बेसिकली उन्हीं को आगे बेचना है। कारीगर अपना बना के माल उनको देंगे, वो आगे बेचेंगे और इन कारीगरों को सैलरी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? ताकि सरकार को पता रहे कि जितने पैसे की बात हम कर रहे हैं उतना पैसा इन्हें दिया जा रहा है, ठीक है। अभी हमारे देश में कंजम्पशन कितना है, देखिए 1490 मीट्रिक टन पर डे अगरबत्ती हमारे देश में कंज्यूम होती है। कई लोग सोचते होंगे किसी को पूजा करते देख के कि ये क्या फालतूगिरी है, इससे क्या होगा भाई, देश का भला हो, कुछ ऐसा करो। लेकिन देखिए, एक अगरबत्ती जलाते हैं लोग तो उससे भी दिन का 1500 मीट्रिक टन अगरबत्ती आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कितने हजारों हजार लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, तो उनके लिए भी रोजगार जनरेट होता है। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से कोई भी एक्टिविटी फ्यूटाइल नहीं होती है, यह आप अपने आंसर में कहीं यूज़ कर सकते हैं। कंट्री का डेली प्रोडक्शन है सिर्फ 760 मीट्रिक टन, यानी आप समझिए हम लगभग आधा, हमारे देश में अगरबत्तियों की जो रिक्वायरमेंट है हम उसका आधा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जाहिर बात है बाकी अगरबत्तियां बाहर से आ रही हैं, है ना, तो ये कितनी ख़राब बात है कि अगरबत्ती तक, जो हमारे देश का एक इतना एसेंशियल हिस्सा है हमारे देश के जीवन का, रोज़मर्रा के जीवन का, उसमें का आधा हम हमारे देश में बना रहे हैं। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है, ये उसका ज्वलंत एक एग्जाम्पल है। कहीं भी कोई आपसे पूछे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छी नहीं है, या आप कैसे कह सकते हैं, आपको यही एग्जाम्पल देना चाहिए कि अगरबत्ती तक तो हम आधी बना पाते हैं अपने देश की रिक्वायरमेंट की, और बड़े बड़े सामान तो हम क्या ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा ये सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, अगरबत्ती बना के हम लोग कितने सारे लोगों को रोज़गार भी देंगे, और ये जो एक बहुत बढ़िया गैप उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ये भर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये UPSC प्री के दृष्टिकोण से, साथ ही जो बातें मैंने आपको बताई वो मेंस में आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग और इंटरव्यू के लिए भी बहुत आपके काम आ सकती हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। मेरे पुराने वीडियो में मैं इसकी बात कर चुका हूँ जब इसकी घोषणा की गई थी, प्लस MCQ भी मैंने आज का जो MCQ दिया है वो इसी पे दिया है। मेरे ख्याल से चौथा MCQ जो है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की गवर्नमेंट ने शुरू की है, ठीक है। उन्होंने ऑफिशियल्स को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने अपने मंत्रालय के ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शन दे दिए हैं कि 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना चालू कर दी जाए। CM ने कहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो एक का एक संकल्प है, नो हंगर नो स्लीप, यानी जब तक कोई भूखा रहेगा तब तक हम नहीं सोएंगे। नाम बड़ा अजीब सा है, देखिए नो हंगर नो स्लीप लग रहा है ना खाने देंगे ना सोने देंगे, है ना, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से इसका अर्थ यही होगा कि जब तक कोई भूखा है तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो नीडी और पुअर हैं उन्हें हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड 8 रुपया पर प्लेट मिलेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 100 करोड़ पर ईयर खर्च करेगी। देखिए 100 करोड़ पर ईयर खर्च करना किसी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सरकार के बजट का आइडिया है या नहीं है, आप हर साल आप न्यूज़ सर्च करिए गूगल में कि राजस्थान सरकार हर साल कितने हजार करोड़ या कितने लाख करोड़ का बजट पेश करती है, ठीक है। 100 करोड़ एक साल का उनके लिए चिल्लर है, मतलब हो जाए ना कि आपके हिसाब से 2 रुपये गायब हो जाए, आप ना सोचें कि 2 का कॉइन है कहीं यहाँ वहाँ चले गया होगा। तो वैसे ही सरकार के लिए 100 करोड़ रुपए सालाना इतनी ही कम राशि है। अगर इतनी कम राशि में कोई राज्य सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि कोई भूखा ना रहे, 8 रुपये पर थाली लोगों को खाना स्वच्छ और जो है न्यूट्रिशियस खाना मिल जाए, तो उन्हें भाई मतलब तुरंत में ये स्टेप उठा लेना चाहिए, कुछ कोई रुकावट आने नहीं देनी चाहिए। 100 करोड़ एकदम चिल्लर फेंक के अगर लोगों को आप भूख से मरने से बचा सकते हैं तो ज़रूर हर राज्य सरकार को ये काम करना ही चाहिए। और हमारे देश में यही काम आप देखेंगे कि स्पेस में 1500 सैटेलाइट भेजने के बाद एक इस तरह की योजना आएगी कि 1500 सैटेलाइट स्पेस में घूमेंगे, वो काम हम पहले करेंगे, पर गरीब इंसान को खाना मिल जाए वो काम सबसे एंड में होगा, ठीक है। इसी के लिए जो है हम हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स तैयार करते हैं। आपको IAS ऑफिसर जिन लोग बनना चाहते हैं उनको इस तरह की जानकारी देते हैं कि कल को आप जब
इन कुर्सियों पर बैठें तो आपके दिमाग में ये बात रहे कि इस तरह की योजना ज़रूर हम चलाते हैं और सरकार के लिए इसके लिए जो खर्च पड़ता है वो सरकार के लिए कितना कम अमाउंट होता है। ठीक है, स्कीम के बारे में जितनी डिटेल है मैं मेरे पुरानी वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ, वो किसी भी तरह से MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने ग्राम चपाती जो है वो कितने करोड़ लोगों को मिलेगी, कितने रुपये में मिलेगी वगैरह वगैरह। ये आंकड़ा जानकारी के लिए बहुत अच्छा आंसर राइटिंग में आपके काम आ सकता है, अगर आपको लगता है तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना जो है उसके पहले, हालांकि इंदिरा अन्नपूर्णा योजना थी इसके पहले, इंदिरा रसोई योजना के पहले, तो इसलिए एक ऑप्शन मैंने अन्नपूर्णा देवी का दिया है। ठीक है, लेकिन ये रसोई योजना जो है ये थोड़ी सी अलग होगी। बेनिफिशियरी उसमें क्या होता था, घूम घूम के एक वैन में किचन रहता था, जा जा के खाना बांटा जाता था, यहाँ पर एक परमानेंट किचन बना दिया जाएगा, लोग खुद वहाँ पहुँच जाएंगे, जो कि ज़्यादा बेहतर है ना। कोई इंसान मान लीजिए कोई सड़क पर कचरा उठाता है, कोई भीख मांगता है, इसी तरह के लोगों के लिए तो ये खाना दिया जा रहा है। वो कहीं और चले गया, वैन कहीं और से निकल गई तो उसका उस दिन का खाना चले जाएगा, लेकिन एक ही जगह पे किचन रहेगा तो लोग जब भूख लगेगी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि 20 रुपये पर प्लेट का जो कॉस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट 12 रुपये देगी और 8 रुपया लोगों से लिया जाएगा। ठीक है जी, इसमें कंस्ट्रक्शन में 2 किचन पर म्यूनसिपैलिटी और 5 किचन पर सिटी काउंसिल बनाया जाएगा और मैक्सिमम ऑफ 8 किचन पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किया जाएगा। संख्या ये बहुत ही कम है, लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले समय में इस संख्या को बढ़ाया जाएगा। किचन जो है सरकारी या NGO की बिल्डिंग में चलाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाएगा कि लोग उस किचन के अंदर ही बैठ के खा सकें। मैनेजमेंट जो है वो, ये चेन्नई की अम्मा की रसोई थी, अम्मा रसोई चेन्नई में जयललिता जी ने लॉन्च की थी, अम्मा उनको कहा जाता है वहाँ पर। बहुत बढ़िया ये स्कीम वहाँ चली भी थी, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि राइट नाउ उसकी वहाँ चल रही है कि नहीं, पर इसके बारे में भी आप पढ़ के एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रख सकते हैं। हो सकता है कि एक फूड फॉर ऑल स्कीम्स के बारे में आपसे कोई पूछ ले, मेंस में आ जाए या आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो इस तरह की जो अलग अलग योजनाएं हैं, मुंबई में झुनका भाकड़ ऐसी योजना चलती है, छत्तीसगढ़ में दाल भात केंद्र योजना चलती है, ये तो ऐसी योजनाएं हैं जो मैंने अपनी आंख से देखी है। बाकी हर राज्य में ऐसा कुछ ना कुछ चलता होगा। दिल्ली में भी बीच में बात चल रही थी कि 5 रुपये में एक थाली खाना और RO का पानी एक गिलास ऐसे दिया जाएगा। चेन्नई की अम्मा की रसोई है और ये राजस्थान की आपको इंदिरा रसोई योजना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप पढ़ के रखिए, आपको आंसर देते में आसानी होगी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, आज लोकमान्य तिलक जी जो हैं उनके मृत्यु के 100 साल इस साल हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए उन पर एक सवाल आने वाला है। तो लोकमान्य तिलक के ऊपर तो आपको पूरा पढ़ के रख लेना चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, वो उनका नारा था। वो किस मामले में, पुणे के कौन से मामले में उनको जेल हो गई थी, मराठा और लोकमत ये 2 अखबारों के वो संपादक थे, फिर वो गरम दल के नेता थे और स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्हें जेल हुई थी, फिर वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। 1916 में उन्होंने जो आंदोलन किया था जिसमें वो वापस कांग्रेस में उनको शामिल किया गया था। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ने को मिल जाएंगी, उनको आप बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए। वही लोकमान्य तिलक जी के बारे में ऐसा कोई छोटा सा ही पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वो कौन सी एक योजना चला रहे थे जो कि साउथ में भी चल रही थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, आप आपको पढ़ के रखिए। यहाँ पर देखिए, मैंने लोकमान्य तिलक वाली ये जो न्यूज़ है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उन्होंने एक इंटरनेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, तो ये तो कोई आपसे नहीं पूछेगा किसी MCQ में, लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि आपको अगर यह ज्ञात नहीं है तो आप बिल्कुल से आप इसको नोट कर लीजिए। लोकमान्य तिलक पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है उनके जीवन के बारे में जिसपे कि MCQ बन सके, शायद 15 पॉइंट निकलेंगे, उनको आप जरूर याद कर लीजिए, एक सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, इस वेबिनार में लोगों ने बात की उनका क्या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन था, ग्लोबल विजन की विजन क्या था वगैरह वगैरह। उन्होंने कर्म गीता भी लिखी थी जेल के अंदर, ये भी अगर आपको नहीं पता हो तो अब आपको पता चल गया। तो ये सब बातें, ये इसमें बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं ये आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट जो है देश भर में जो चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम चल रहे हैं उनको अब रिव्यू करने वाली है। ठीक है, देखिए क्यों करने वाली है, उन सब पर मतलब नज़र रखी जाएगी, जानकारी ली जाएगी क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक चाइना का जो भी इंस्टीट्यूट है जो चाइनीज़ भाषा पढ़ाते हैं वो चाइनीज़ सरकार का एक डिपार्टमेंट है, हानबान करके। वो दुनिया भर में, देखिए हानबान इज़ अ चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ कन्फ्यूशियस रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाता है, कन्फ्यूशियस चाइना के विचारक रहे हैं। जैसे हमारे देश में चाणक्य को माना जाता है, चाणक्य की नीति उन्होंने दी समाज में और अर्थव्यवस्था में और राजनीति में किस तरह से लोगों को जीना चाहिए, वैसे गाइडलाइंस उन्होंने दिए थे, नीति निर्देश दिए थे, वैसे ही चाइना में कन्फ्यूशियस को माना जाता है। कन्फ्यूशियस और लाओत्से चाइना के 2 सबसे बड़े विचारक हैं। इनके बारे में छोटा विकिपीडिया पेज पढ़ के रख सकते हैं क्योंकि चाइना के ऊपर तो इस बार क्वेश्चन आने ही वाले हैं। मुझे लगता है GS 1-2-3 एथिक्स और इंटरव्यू हर पेपर में, ऐसे में भी चाइना का तो बोलबाला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोरोना और चाइना ये दो अब एक ही बात है, एक तरह से देख सकते हैं। इन दोनों पर आपको बिल्कुल जितना माल मिले आपको तैयार रखना चाहिए, फॉर्डर अपनी तरफ से तैयार रखना चाहिए। तो
कन्फ्यूशियस पे आप बिल्कुल पढ़ के रखिए, और हानबान ये पॉइंट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लोग जो करते हैं, ऐसा इन पे शक है कि ये दुनिया भर में चाइनीज लैंग्वेज और कल्चर तो प्रमोट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन कई देशों में जाके ये चीन के बारे में लोक मत को चाइना की तरफ करने का भी प्रयास करते हैं, साथ ही साथ जासूसी वगैरह के भी इन पर आरोप लगे हैं। तो सरकार जो चाहती है कि इनके ऊपर नज़र रखी जाए। फिर साथ ही साथ इस आर्टिकल की पहले लाइन को भी देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम वापस से बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, नासा एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस से वापस आ गए हैं। कौन है वो नासा एस्ट्रोनॉट, मैं इनके बारे में पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, नाम आप याद रख लीजिए। यूपीएससी में कम चांस आने का पर आ सकता है, पर दूसरे एग्जाम्स में ज़रूर इनका नाम ही सीधे पूछ देगा। उनका नाम है बॉब बेनकेन और डग हर्ली। ये दो एस्ट्रोनॉट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 2 महीने पहले भेजे गए थे। चलिए, स्पेस में तो लोग जाते रहते हैं नासा से, लेकिन इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी के रॉकेट से इनको भेजा गया था, ठीक है। कितना बड़ा रिस्क लिया गया था आप सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा भरोसा किया जाता है अब स्पेस एक्स कंपनी की कैपेबिलिटीज़ पे। तो इनका नाम है द क्रू ड्रैगन उस रॉकेट का नाम है जिसको भेजा गया था, ठीक है। तो वहाँ से उन लोग वापस आ गए हैं। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से भेजा गया था स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट जो था उसको भेजा गया था, जिसमें कि कंपनी का क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट उसमें था, जो कि और कहीं कौन से लॉन्च कॉम्प्लेक्स से भेजा गया था। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इसका एक कमर्शियली बिल्ट और ऑपरेटेड स्पेस क्राफ्ट में पहली बार भेजा, ठीक है। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहे हो, बाकी डिटेल जो है वो एक एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के नाम और ये बात कि स्पेसएक्स के रॉकेट्स उन्हें भेजा गया था, ये आप याद रखिए, ये आपसे एमसीक्यू में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, यही ऐसे ही देखिए, डिस्कस करते हुए कितने कम समय में हम अब अपनी वीडियो की एंड पर आ चुके हैं। जो जिसने भी वीडियो पूरी सुनी है उसको तो मालूम है कि सारे आंसर्स क्या हैं। जो सीधा क्वेश्चन से आंसर की तरफ आए वो देख लीजिए कि ई रक्षाबंधन आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, तो सीधा यहाँ आए हैं। मैं उन्हें बता दूं कि ये ऑनलाइन राखी भेजने वाला स्कीम नहीं है, ये महिलाओं को साइबर क्राइम के बारे में अवेयर कराने की बात है ई रक्षाबंधन, ठीक है। फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म योजना के तहत नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये है आंसर। फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने जो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरिंग पे लॉन्च किया है, तो आंसर है इंसेंस स्टिक्स। साथ ही साथ ये जो फूड फॉर ऑल स्कीम है, ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है, उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ पहले तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगे कि मैं शून्य में नहीं चिल्ला रहा हूँ, कोई है जो मेरे वीडियोस को सुन रहा है। साथ ही साथ अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये छोटा चैनल है हमारा, आपका साझा चैनल है। जिस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरह का इनपुट आप चाहते हैं, वैसा आप यहाँ बताएंगे और वैसा इनपुट आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से, है ना। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वहाँ पर आप अपनी डिमांड जाके नहीं रख सकते जो आपकी डिमांड फुलफिल करें। तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो के जरिए मैं आपकी करंट अफेयर्स की पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक का जो पोर्शन है वो अगर आप पढ़ के रखें तो यूपीएससी के प्री के 50% क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसी मेरी वीडियोस को ही अगर आप डिलीजेंटली फॉलो करें तो यूपीएससी प्री आप इस बार का क्लियर कर लेंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ बात आपसे कर सकता हूं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो बातें मैंने आपको बताई है उनको ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल।